हेलो फ्रेंड्स, हम टीवी पर मई में 3 ड्रामे स्टार्ट होने वाले हैं। जल्द ही 2 ड्रामे स्टार्ट हुए थे, ये ड्रामे एवरेज ही थे, लेकिन इन तीनों ड्रामों की स्टार कास्ट बड़ी है। अब देखना ये है कि ये ड्रामा क्या कमाल दिखाते हैं, क्योंकि इनमें से कोई एक ड्रामा इश्क मुर्शिद की जगह स्टार्ट होगा। इश्क मुर्शिद इस साल का सुपर डुपर हिट ड्रामा था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। अब हम बात करते हैं उन 3 ड्रामों की। तो 3 नंबर पर एक चुभन सी ड्रामा है। इस ड्रामे के स्टार कास्ट में समी खान, सोनिया हुसैन और हीरा खान हैं। समी खान और सोनिया हुसैन का 4th ड्रामा है। इन दोनों की जोड़ी को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। इस ड्रामे से पहले ये दोनों ऐसी है तन्हाई, तिनके का सहारा और इश्क जहे नसीब ड्रामे में एक साथ देखे जा चुके हैं। एक चुभन सी ड्रामा की बात की जाए तो इसका अभी एक ही टीज़र आया है, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि समी और सोनिया एक मैरिड कपल हैं और ये दोनों मिडिल क्लास से हैं। लेकिन समी खान की मेहनत और सोनिया की दुआओं से बहुत जल्द ये लोग अमीर हो जाएंगे। हीरा एक गरीब घर की लड़की है जो इन दोनों की रिलेटिव है और इनके घर रहने आएगी। समी खान एक नैरो माइंड इंसान देखने से लग रहा है। समी और सोनिया के साथ कोई एक्सीडेंट होगा और समी खान का ऐसा मानना होगा कि गरीब रिश्तेदारों की नज़र ख़राब होती है और उन दोनों की ज़िंदगी को हीरा की नज़र लग गई है। अभी तो 1st टीज़र आया है, लेकिन लग रहा है ये ड्रामा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी के तीनों ड्रामे हिट थे। अब बात करते हैं 2nd नंबर पर जर्द पत्तों के बन ड्रामा की। इसकी स्टार कास्ट में सजल अली और हमजा सोहैल हैं। वैसे इन दोनों की जोड़ी फर्स्ट टाइम किसी ड्रामे में एक साथ दिखाई देगी। सजल अली के ड्रामे तो अच्छे होते हैं और हमजा सोहैल की बात की जाए तो लास्ट ईयर फेरी टेल और सिर्फ तुम ड्रामा बहुत अच्छा था। इस ड्रामे का भी सिर्फ एक ही टीज़र आया है। टीज़र देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ड्रामे में गांव के रहने वाले लोगों की स्टोरी दिखाई जाएगी। हमजा सोहैल गांव का ही लड़का होगा, लेकिन बाहर कहीं पढ़ने गया था और वापस अपने गांव आ जाएगा। सजल और हमजा एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे और गांव वालों की नज़रों से छुप छुप कर मिलेंगे। इस ड्रामे की स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि गांव के लोगों की सोच थोड़ी मुख्तलिफ होती है। इन सब के बीच जब इन दोनों के प्यार का गांव वालों को पता चलेगा तो क्या होगा, ये तो ड्रामा देखने पर ही पता चलेगा। इस ड्रामे से सबको बहुत उम्मीद है कि ये एक हिट ड्रामा हो सकता है। 1st नंबर पर जफ़र ड्रामा है। इसकी स्टार कास्ट में सहर खान, मारवा हुसैन, उस्मान मुख्तार, मोहिब मिर्ज़ा और जर्रार खान हैं। फाइनली इस साल में सहर खान का कोई ड्रामा तो आया। सहर खान के सभी ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं। टीज़र देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ड्रामा भी बहुत अच्छा होगा। इस ड्रामे में सहर और मारवा दो लोगों की अलग अलग स्टोरी दिखाई गई है। सहर एक कॉलेज स्टूडेंट है। इनके अपोजिट एक न्यू एक्टर को लिया गया है जिसका नाम जर्रार खान है। ये दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सहर जर्रार के साथ शादी करना चाहेगी, लेकिन घर वाले उसके खिलाफ होंगे। उस्मान मुख्तार सहर खान के भाई बने हैं। उस्मान और मारवा दोनों डॉक्टर हैं। मारवा की शादी मोहिब से होगी। मुझे ऐसा लग रहा है मोहिब कोई साइको पेशेंट है या मोहिब का डबल रोल है, क्योंकि बहुत अजीब हरकतें मोहिब करता दिखेगा। टीज़र से ये ड्रामा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस ड्रामे में कुछ सस्पेंस होगा, जो ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा कि मोहिब का डबल रोल है या मोहिब एक साइको पेशेंट है। फिलहाल जल्द ही हम टीवी पर इश्क मुर्शिद, खुशबू में बसे खत और जुल्म ड्रामा ख़त्म होने वाला है। मुझे लगता है इन तीनों ड्रामों को ये तीनों ड्रामे रिप्लेस करेंगे। तब फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और इस टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।